भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है। हम लोग पूरे समय, हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, इन लोगों की जीत है, हमारे संगठन की जीत है, जिलाध्यक्ष जी की जीत है और गोंडा की जनता की जीत है। सबसे पहले कि जो बाहरी लोग यहाँ से फिर एक बार लूटने की कोशिश में थे वो नाकामयाब हो गए। 400 पार का जो नारा दिया गया था वो तो पूरा होता दिख रहा है ना। चलिए वो बात की बात है, वो देखा जाएगा, अभी काउंटिंग पूरी हो जाए। सांसद जी, जैसे कि इलेक्शन से पहले आपने बड़ी प्राथमिकता बताई थी, लेकिन अब जो है कि इलेक्शन आप जीत रहे हैं लगभग तय है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपको आगे काम करना? देखिए, प्राथमिकता हम लोगों की वही है कि गोंडा का भी विकास अभी और तेज़ी से आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आपके जो शहर की जो जाम वाली स्थिति है, इसकी रिंग रोड बनने का प्रपोजल पास हो चुका है, उसको तेज़ी से हम लोग लागू करेंगे। आपके यहाँ एक और फ्लाईओवर बचा हुआ है, आपके ये सुभागपुर वाला, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की प्राथमिकता है हम लोगों की। उसके साथ साथ, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हम लोगों की ये जो सरकार है, लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है, और यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार का अवसर है कि जो हमारे अयोध्या में इतने बड़े संख्या में हर दिन श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ रहे हैं, उनको रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम लोग अपने यहाँ के जो महिला सहायता समूह हैं उनकी चीज़ों को ठीक से मार्केट कर ले जाएँ और यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल या बिज़नेस पार्क हम लोग सेटअप करने ले जाएँ, तो तमाम सारे हमारे यहाँ पे हमारे नौजवानों को रोज़गार का अवसर मिलेगा। इस पर हमें पूरे मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करना है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रुझान और नतीजे दिख रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगभग लगभग बराबर की लड़ाई इंडिया और इंडिया में जैसे चल रही है? देखिए, ये इस देश का इतिहास बहुत लंबा है और बहुत लंबा आगे चलेगा। ये एक चुनाव से आकलन नहीं करना है, है ना। आप अभी देखते रहिए, देखिए ये जितनी भी मांगे इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मांग यहाँ पे युवाओं की, हाँ, ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, हम लोग टेक्निकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी चीज लाएंगे, बहुत जरूरी है।